जिंदगी। ये नोट कर लीजिए, पाकिस्तान की एक डेस्टिनी है, एक तकदीर है, एक तकदीर मुबरम है। जैसे कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था 1930 में, हिंदुस्तान के शिमाल मगरिब में एक आजाद मुसलमान रियासत का कायम होना डेस्टिनी है, तकदीर मुबरम है, अटल है, होकर रहेगा। 17 साल पहले एक शख्स कह रहा है, गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद। इसी तरह मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की डेस्टिनी है। आखिरी मार्का जो होना है कुफर और इस्लाम के माबेन, उसमें पाकिस्तान को क्रूशल रोल प्ले करना है। दुनिया को है फिर मारका है दीनों, रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। मेरे उस हैंडबुल में आपने देख लिया होगा तहजीब का लफ्ज इकबाल ने कैसा इस्तेमाल किया है। आज सारी दुहाई तहजीब की दे रहा है, बुश भी ब्लेयर भी, अवर सिविलाइजेशन हैज बीन थ्रेटन्ड। सिविलाइजेशन क्या तुम्हारी तहजीब है? होमोसेक्सुअलिटी तुम्हारी तहजीब है? तुम्हारी तहजीब यह है कि बिल क्लिंटन ने कहा था पिछले साल न्यू ईयर्स डे पर अपने पैगाम में, अनकरीब अमरीकन कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। यह तहजीब है तुम्हारी, बॉर्न आउट ऑफ एनी वेडलॉक, बच्चे बगैर किसी शादी निकाह के पैदा हो रहे हैं, वन पेरेंट फैमिली रह गई है, बेड़ा गर्क तुम्हारा हो चुका है, टेक्नोलॉजी तुम्हें सहारा देकर खड़ी हुई है। जैसे हजरत सुलेमान की मौत वाकई हो गई थी, वो आशा के बल पर खड़े थे। तहजीब मर चुकी है, ये तहजीब तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी और कर चुकी है। तहजीब तो मर चुकी है, फैमिली सिस्टम बर्बाद हो चुका है, वो तहजीब है। हां टेक्नोलॉजी तुम्हें लेकर खड़ी है, उस टेक्नोलॉजी का लफ्ज इकबाल ने इस्तेमाल किया, मशीन। दुनिया को है फिर मार का है रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। अल्लाह को पावर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। वो टेक्नोलॉजी है। लिहाजा पाकिस्तान, जैसा कि मैंने कहा 9 महीने पहले अल्लाह ने पैदा किया पाकिस्तान को और उतारा है लैलतुल कद्र, ये नाजिल हुआ है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, फी लैलतुल कद्र तो कुरान नाजिल हुआ, से पाकिस्तान नाजिल हुआ। अलबत्ता ये कि हमें इसमें जो हमें एटमी सलाहियत हासिल है, इसकी हर कीमत पर, हर कीमत पर, हर कीमत पर इसका तहफ्फुज़ करना है। लेकिन आखिरी जंग जो है अल मलहमतुल उस्मा, वो मिडल ईस्ट ही में होगी, वो वही होगी, हरमगिदोन, आर्मगेडोन, वो वही होनी है, तो बड़ी अजीम जंग होनी है। लेकिन पाकिस्तान को उसमें रोल प्ले करना है। हुजूर ने फरमाया एक मशरकी मुल्क से फौजें जाएंगी जो हजरत महदी की हुकूमत कायम करेंगी अरब में, और खुरासान से सिया आलम लेकर फौजें निकलेंगी जो हजरत मसीह के साथ खड़ी होंगी और यरूशलम वापस लेंगी। यरूशलम पहले खोया अरबों ने, 1099 ईस्वी में खोया और 1187 में 88 बरस बाद अरब नहीं वापस ले सके, कुर्दों ने लिया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लिया। अब 1967 में फिर अरबों ने खोया, वापस नहीं ले सकते अरब, वापस लेंगे खुरासान से चलने वाले झंडे। अफगानिस्तान उसका हार्ट है, हार्ट ऑफ खुरासान। हुजूर के जमाने में जो मुल्क बड़ा खुरासान था, उसका दिल ये है। पाकिस्तान का भी एक हिस्सा उसका हिस्सा है, मालाकंड डिवीजन, ये उस खुरासान का हिस्सा है। ईरान का भी एक इलाका उसका हिस्सा है, खुरासान के नाम से सूबा है, शिमाल मशरकी कोने पर, वो भी उसका हिस्सा है। और ये जो रियासतें हैं, जो टर्क रियासतें जो आजाद, ये भी उसका हिस्सा थे। ये एक मुल्क था खुरासान अजीम, खुरासान बुजुर्ग कहते हैं ईरानी इसको, द ग्रेटर खुरासान ऑफ द डेज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हवाला दिया था। बहरहाल इसकी हिफाजत हमें किसी भी अपनी जान से बढ़कर करनी है। पाकिस्तान दांव पर लग जाता तो लग जाए, बचाने वाला अल्लाह है। लेकिन यह कि कम से कम हमारी जो एटमी सलाहियत है, जो अमानत है हमारे पास पूरी उम्मत मुस्लिमा की, उसको कोई गदर नहीं पहुंचने देंगे।